महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ये जो महावितरण का पूरा काम चलता है उस पर कंट्रोल करती है, तो महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नियम के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। महावितरण लोग ग्राहक को जो बिजली देता है तो बिजली यूज़ करने के एक महीने बाद बिल भेजता है, और उसी के अगर डिस्कनेक्शन का भी करना चाहिए तो और 15 दिन, तो करीबन 1.5 महीना कोई ग्राहक यूज़ करता है बिजली, तो उसके अगेंस्ट में कुछ तो भी डिपॉजिट रहना चाहिए, इसलिए MERC सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। और अभी फ़िलहाल MERC ने, जो महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग है, उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट साल भरे का जो आपका सरासरी जो बिल रहता है एवरेज बिल, तो उसके एवरेज के एक महीने के डबल जो बिल रहेगा, वो अगर 1200 रुपये का आपका बिल है और तो आपको एक महीने का 200 रुपये का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और एक अच्छी चीज़ है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 6 हफ्ते में भर सकते हैं, तो ये ग्राहकों के लिए वैसे कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। ये हर साल से सिक्योरिटी डिपॉजिट अपन लेते हैं, और हमारी महावितरण की तरफ से मैं ये ग्राहकों को आह्वान करूँगा कि आप ये भरिए, क्योंकि अभी महावितरण की हालत बहुत खस्ता है। और दूसरी बात, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उस पर 4.25% ब्याज भी दिया जाता है ग्राहकों को, और जो अप्रैल के बिल में एडजस्ट किया जाता है। ये एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम जमा रहेगी मतलब आपके इसमें? हाँ, ये आप ग्राहक के इसमें जमा रहेगी और ग्राहक को उस पर ब्याज भी मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि 6 हफ्ते यानी कि 6 EMI में वो जमा की जा सकती है, राइट? और अगर से ना भरे तो इस पर कोई कार्रवाई वगैरह या कोई टाइमिंग दी जा रही है कि हाँ ठीक है 1 महीने के बाद भरिए? नहीं, हमारा तो आह्वान है कि सभी ग्राहकों ने ये भरनी चाहिए, और अगर MERC अगर आपको 6 हफ्ते की सहूलियत देता है तो हम यही आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये भरना चाहिए। तो ये एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो बिल आया है, क्या वो हर किसी को भेजा गया है? जिन ग्राहकों का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन साल भर में बढ़ गया होगा, उन्हीं ग्राहकों को ये अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना है, और जिन ग्राहकों का कंजम्पशन कम हुआ होगा उनका अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट महावितरण की तरफ होगा भी तो उसमें से वो उनके बिल में वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये सभी ग्राहकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना नहीं है। कई लोग सर एक सवाल पूछ रहे थे कि ये 2022 में ही क्यों आया, इसके पहले भी आ सकता था अगर से आना ही है तो? नहीं, ये हर साल की ये रेगुलर एक्टिविटी है। MERC हर साल इसका ब्याज दर भी अलग तरीके से बढ़ाता है या कम करता है, तो ये इसी साल है, ऐसा ये नहीं है। सिर्फ कोरोना की वजह से लोगों को ये ज़्यादा ध्यान में आ रहा है कि इस बार बिल अतिरिक्त थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये हर साल की एक्टिविटी है, और इस पर ब्याज भी दिया जाता है और वो जो कंज्यूमर है उसके बिल में एडजस्ट भी किया जाता है।